हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? ठीक ठाक है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू एन अदर यूट्यूब वीडियो। और आज की जो वीडियो है वो रेमेडी है, ठीक है? और रेमेडी से रिलेटेड है, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्ती रेमेडी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। एक सबसे अहम बात वो ये है, मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊँगी और फेस पैक अप्लाई करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगी जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। कि आप फेस पैक एप्लीकेशन का तरीका जानना चाहते हैं तो मेरे साथ पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जी तो फ्रेंड्स, हमारे पास है इस वक्त 3 इंग्रेडिएंट्स, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास बेसन, ठीक है? तो 2 स्पून लेंगे। उसके बाद हम लेंगे टर्मेरिक यानी कि हल्दी, जो भी आपके घर में मौजूद है आप हल्दी ले लें, ठीक है? उसके बाद आएगा 2 स्पून योगर्ट, ठीक है? योगर्ट लेंगे। अब ऐसा करेंगे, हम बेसन के अंदर योगर्ट को ऐड करेंगे, ठीक है? देन उसके बाद हम इसमें जो हल्दी ली है वो हम ऐड कर देंगे। अच्छा जी, अब इसमें बारी है मेन टॉप सीक्रेट इंग्रेडिएंट की, ठीक है? वो हम इसमें ऐड करेंगे। पोटैटो है, हम इसको छिलके समेत ही क्रश कर लेंगे। ओके जी, ये आलू को हमने क्रश कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसका निकालेंगे जूस, ठीक है? इसका जूस निकाल के वो हम ऐड करेंगे बेसन में। ओके, ठीक हो गया। ये बन गया जी हमारा पैक, रेडी हो गया हमारा। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से हो जाएगी, ठीक है? हमें इतना थिक चाहिए ये। जी तो फ्रेंड, मैं अब जान लगाने जा रही हूँ, अप्लाई करने जा रही हूँ अपना मास्क। और मैंने इस तरह का ब्रश ले लिया था, ठीक है? आप इस तरह का ब्रश से अप्लाई कीजिएगा, बहुत इजीली ये अप्लाई हो जाएगा। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम वॉइस ओवर देने के लिए आ गए हैं इस वजह से कि यहाँ पे हमने फास्ट फॉरवर्ड मोशन में जाना था तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था। अगर हम वैसे ही जाते तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाती। तो अब हम फटाफट स्पीड और स्पीड से मास्क अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि आपने फेस के साथ साथ नेक का भी पूरा ख्याल रखना है, पूरे नेक को भी आपने कवर करना है। और जो मेन चीज़ मैंने आपसे बोली थी कि फेस मास्क एप्लीकेशन का सही तरीका मैं आपको बताऊंगी, वो ये है कि आपने एप्लीकेशन तो कर ली, ठीक है ना, मास्क लगा लिया, लेकिन मास्क लगाने के फौरन बाद आपने उसको सॉरी जी, मेरी बेटी आ गई। अच्छा जी, मास्क लगाने के बाद आपने उसको रब करना होता है अपनी स्किन के अंदर, उसकी हल्की हल्की मसाज करें, हल्के हाथ से, सख्त हाथों से मसाज बिल्कुल नहीं करनी। आपने इसकी मसाज करके अच्छे से 5 मिनट तक आपने इसकी मसाज करनी है। 5 मिनट के बाद आपने इसके ऊपर एक और लेयर लगा देनी है फेस पैक की। और ये जो मक्खी थी मुझे बहुत तंग कर रही थी क्योंकि मैं बाहर बैठी थी और हमारी लाइट गई हुई थी। अच्छा जी, सेकंड लेयर अप्लाई हो चुकी है और अब हमने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। इस बीच में आप अपने सारे घर के काम कर सकती हूँ क्योंकि लेडीज़ को 100 काम होते हैं करने वाले घर में। यहाँ जो बच गया था वो मैंने अपने हाथों पे भी अप्लाई कर लिया था। वेस्ट मत करें, जो बच जाए उसको अपने हाथों और पैरों पर आप यूज़ कर सकती हैं क्योंकि ये रेमिडीज़ हैं, इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। मैं जो भी चीज़ अपने फेस के लिए अप्लाई करती हूँ मैं अपने हाथों और पैरों के लिए मैं ज़रूर उसको यूज़ कर लेती हूँ। जो बच जाता है, नहीं भी बचता तो मैं अपने मतलब बना लेती हूँ क्योंकि ये भी ज़रूरी होते हैं। अब हम अपना फेस वॉश करेंगे। हैंड मैंने पहले ही वॉश कर लिए थे, लाइट आ गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फेस काफ़ी निखर गया था। और अभी तो ये फर्स्ट डे था, 7 डेज अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ये हैंड्स की थी बिफोर एंड आफ्टर की पिक जो मैंने लगा दी थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।